आज स्थानीय विधायक ईश्वर सिंह ने अनाज मंडी चीका में खुला दरबार लगाकर सैकड़ों व्यापारियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को बुलाकर कई समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया। विधायक ने कहा कि गोलाचीका क्षेत्र के अंदर सभी समस्याओं को हल करवाना मेरा कर्तव्य है और मैं जनता के बीच दरबार लगाकर गोलाचीका लोगों की समस्याओं का निवारण करूंगा। विधायक ने बताया कि कुछ समय पहले गुला व सीवन के लोगों ने जूस बोर की समस्या को मेरे समक्ष रखा था, जिसे मैंने गुला व सीवन ब्लॉक में 100 बोर लगाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भेजा था और मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाकर इस समस्या पर चर्चा भी की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समस्या को देखते हुए गुला व गांव सीवन में 100 चूस बोर लगाने की स्वीकृति दी है और जल्द ही ये बोर लगाए जाएंगे, जिससे गुला क्षेत्र की डार्क जोन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वही किसानों के बिजली का कनेक्शन भी मिल सकेगा और किसानों को धान की फसल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा, जिसे नहरी पानी को स्वच्छ कर लोगों को दिया जाएगा, ताकि लोग स्वच्छ जल से अपने जीवन के उपयोग कर सके और घातक बीमारियों से बच सके। ये डार्क जोन के अंदर है और उसके अंदर गुला ब्लॉक भी और सीवन दो ब्लॉक है मेरे हल्के के अंदर, दोनों डार्क जोन में आ गए। ये प्राकृतिक बात है, 40 मीटर पानी नीचे चले गए धोनी का। 8 ब्लॉक है हरियाणा के, 2 हमारे आ गए। अब मैंने समाधान जो है ना के लिए काफ़ी लेटर लिखे, पहले भी बताया, सरकार ने ये कहा कि पंचायत को छोड़ करके बाकी ज़मीन के अंदर हम जो है ना उनको पाबंदी ज्योति हटा दी। लोगों को बड़ी भारी राहत मिली, बहुत ज़्यादा जो है ना लोग खुश भी हुए। और उसके बाद मेरे को जो है ना खुद मुख्यमंत्री को जब मैंने लेटर लिखा कि भाई ये उन्होंने कहा कि इसका समाधान भी बताओ कि पानी तो नीचे जा रहा है, अब पानी का लेवल जब नीचे जा रहा है आपके हल्के में, 4 सबसे ज़्यादा नीचे आपका चलेगा, तो इसका समाधान भी बताइए आप प्रतिनिधि होने के नाते, MLA के नाते। मैंने उनको समाधान में 25 तारीख को चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा आप यहाँ 4 बोर जो है ना जो पानी का चार्ज करते हैं वो नीचे लगवाए जाएंगे। और मुझे आपको बताते इस बात का हर्ष होता है कि मैंने परसों भी ये बात बताई थी शायद, और ये बात मैंने जिक्र किया था कि जो मीटिंग थी परसों, मुख्यमंत्री जी ने 100 बोर रिचार्ज के लिए पर्टिकुलर गुला केंद्र मंजूर कर दिया। अब हम लिस्ट बनाएंगे कौन कौन किसान जो एनर्जी रिचार्ज बोर कराना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि उसी के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लान हम जो है ना यहाँ लगवाएंगे, ताकि नहर का पानी स्वच्छ होकर के लोगों को दिलवाया जाए, पिया जाए। और ये जो पानी की जो समस्या है गग्गर का, मैंने अनेकों बार कहा कि गग्गर का जो पानी है केमिकल आ गए हैं, गंदा पानी हो गया है, उससे कैंसर जो है ना पीड़ित होने लगे हैं नागरिक। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह नहर का पानी हम उनको उपलब्ध कराएं। और ये जो पानी गंदा सरस्वती ड्रेन का भी है, नगर का भी है, बीच में हल्का पड़ता है, उसे छुटकारा दिया जा सके। तो एक तो जीरी का जो है मुक्त कराना और दूसरा जो है ना रिचार्ज बोर करवाना, ताकि पानी का जो बोर है रिचार्ज से पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। ये दोनों समस्याएं ग्रामीण है और किसानों से संबंधित है। तो ये मैंने जो है ना इसलिए आपको बताया कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस जागरूकता होनी चाहिए कि हम जो है ना इस स्टेज पर क्या करें। देखिए सर पूरे नहीं और जहाँ बैठ कर के समस्याओं जो शहर की थी वाजिब जो जेन्युइन समस्या है वो मेरे को बताई गई। और ये जो समस्याएं जैसे जीरी जो है ना कणक का उठान नहीं हो रहा, पैसे की पेमेंट नहीं आ रही, प्रधान जो है ना तीन की बजाय एक बनाए जाए, अनेकों समस्याएं शहर के अंदर पानी खड़ा है सड़कों के ऊपर, तो वो मैंने लगभग जो है सारी प्रक्रिया नोट कर लिया और जो है ना कई चीज़ों का मैंने मौके के ऊपर समाधान कर भी दिया, जैसे पेमेंट का है, उठान का है। और ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग जागरूक हों, अपनी समस्याओं को खुल के बताएं और अपना जो है ना शहर का अपना शहर है इनका उसके बारे में भी चिंतन करें और मुझे बताएं। मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरा काम है कि सरकार तक आपकी बात पहुँचाना। 24 घंटे तो कोई भी प्रतिनिधि नहीं जो है ना रह सकता, भी 24 घंटे मिलेगा। मैं चेयरमैन हूँ, विधानसभा कमेटी बन गई है, अब चेयरमैन को तो कम से कम हफ्ते में 3 मीटिंग तो उसकी होती है, तो उन मीटिंगों के नाते मैंने तो जाना पड़ेगा मीटिंग में। बीइंग चेयरमैन मेंबर तो टाल भी कर देगा, जब चेयरमैन ही जाएगा फिर मीटिंग क्या होगी। और उसके बाद कई मीटिंगें सरकारी भी आती है, और इसलिए मैं मैक्सिमम
संडे और मंडे दो दिन जो है ना, अब तो मंडे भी मैंने जो है, जैसे आज मंडे है सोमवार है, दो दिन मैंने फिक्स कर दिया है कि मैं हल्के में हूँगा ताकि लोग पूछे तक चंडीगढ़ मेरे पास ना आए और लोगों की समस्या का यहीं आकर यहीं निवारण करूं। और मैं सुबह से शाम तक इतना रस रहता है कि मैं लोगों को सुनता भी हूं और अफसरों के जहां तक बात हो मौके पर समाधान भी करता हूं। जो बात जो है ना, अच्छा वाला बात बोलता परसों भगवान परशुराम चौक को तो मैंने 25 लाख रुपए दे रखे कि इतना बड़ा भवन बन रहा है, उसमें मीटिंग करते हैं, खाना खाते हैं, भोजन उसके अंदर यूज करते हैं, उसको बच्चे जो है ना उसके अंदर कंप्यूटर चला रहे हैं। मुझे अच्छी बात है, जहाँ रहेगी चौक की, चौक के लिए मेरे पास कंप्लेंट आई थी कि यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। मैंने बल्कि SDM को टेलीफोन किया कि इस चौक को चौड़ा किया जाए, इसको उठाया नहीं जाए, इसको चौड़ा किया जाए ताकि एक्सीडेंट कम हो। उस बात को जो है ना कोई किस नज़रिए से ब्लैकमेल करता तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। तो ये चौक उठाना मेरा काम है जो है ना, मैं MLA के नाते उसको चौड़ा करा के ताकि एक्सीडेंट ना, चौक उठाने की बात नहीं थी, चौक चौड़ा करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।